सर जी, आप सदर अस्पताल में आए हैं और बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। अभी आप सदर अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, ऐसे लापरवाह डॉक्टर पे आपका क्या? मैं जा रहा हूँ, पूछता हूँ क्यों नहीं दे रहा है, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन से भी बात करते हैं। जो आया था, क्या नाम था उसका, नहीं दारोगा 112 जो आया था, उस पर जो दारोगा लोग था, इसको कहता तुम नेता बनता है, इसको बैठा लिया। और बाद में किस तरह से प्रशिक्षित DSP है, क्या पढ़ के आई है, क्या प्रशिक्षण लेने आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो बातें अभी सामने आई हैं और मैंने देखा है, जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा है, वैसे कि मारा जाता है, खुलेआम दारू बिक रहा है, उसको नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि सामान्यता मतलब जेंट्स पुलिस ने मारा जिस तरह से, लाठी बदल बदल के, आदमी बदल बदल के, तो जिंदा है यही बहुत है। आप देखिएगा अगर कि पूरा बदन काला है लाठी के मार से, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया था या कौन पकड़ा, लगता है कि अपना मतलब वो मैडम जो है किस गुस्से में है, किस तरह का मतलब कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है मान लिया कि कोई बात थी तो उस पर केस करते, आप उसको जेल भेजते। बेगूसराय में एक घटना घटी थी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को जो कि कुशवाहा समाज से है, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पीटा गया था। और वो तस्वीरें अभी आपने देखी, बेगूसराय की घटना जो घटी थी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको जो है वो पीटा गया। उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे तेजस्वी यादव के जो साथी, कहा जाए कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी कारी सोहेब जो है, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर उनका हालचाल जाना। और जिस प्रकार से बर्बरता पूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को पीटा गया, जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है बेगूसराय में, आप इंसानियत को तार तार किया गया है। ये कोई जो सामाजिक लोग होते हैं, जब पार्टी का कोई नेता होता है वो सामाजिक लोग होता है, समाज में अच्छे बुरे को देखता है, और ये सोशल आदमी है, ये समाज का एक चेहरा है और पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, महत्वपूर्ण पद पे हैं, और बगल में कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा था, वो कैसा कैसी आपस में कर रहा था, तो पुलिस के सहयोग में ये गए, भाई तुम लोग केस क्यों कर रहे हो, जेल जाओगे, एक मुकदमा करोगे इस, और उसके लिए इनको वो जो आया था, क्या नाम था उसका, दारोगा 112 जो आया था, उस पर जो दारोगा लोग था, इसको कहता तुम नेता बनता है, इसको बैठा लिया। और बाद में किस तरह से प्रशिक्षित DSP है, क्या पढ़ के आई है, क्या प्रशिक्षण लेने आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो बातें अभी सामने आई हैं और मैंने देखा है, जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा, वैसे कि मारा जाता है, खुलेआम दारू बिक रहा है, उसको नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि साफ हफ्ता वसूल रहे हैं, खुलेआम डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। गुंडा मवाली चोर बेमार सट्टा खेलने वाला न जाने कौन कौन सा अपराधी थाने पर बैठा रहता है, बाहुबली दंगाई इनके थाने पर बैठा रहता है, समाज को तोड़ने वाला इनके थाने पर बैठा रहता है। लेकिन एक शरीफ आदमी, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो राम सखा को आप ढूंढ रहे थे, जो घरेलू महिला है दो उसको आपने इस तरह से मारा कि पूरा बदन उसका काला काला हो चुका है, और मुझे लगता है कि पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी इस वक्त को, इस समय को, उस दर्द को याद करके कैसे अपना जीवन बिताएगी मुझे पता नहीं। वो नाबालिग बच्चा है, सिर्फ इसलिए कि पिछड़े का बेटा है। ये लवकुश बात करते हैं मुख्यमंत्री जी आप, कि लवकुश की सरकार है, और हर जगह कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा जी, कहाँ है सम्राट चौधरी जी, ये भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, एक दलितों और पिछड़ों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा जी, खाली राज्यसभा बनने के लिए, कहाँ है सम्राट चौधरी डिप्टी CM बनने के लिए, खाली गाली देते हो दूसरों को। ये आतंक राज बिहार में हर जगह लूट हत्या अपहरण बलात्कार एकदम आम बात हो गई है, लेकिन पुलिस का जो तानाशाही है, ये मैंने SP साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम जांच करें, मैं भरोसा रखता हूँ मनीष जी पर, SP साहब पर, वो निष्पक्ष जांच करेंगे, मुझे उम्मीद है हमारा प्रतिनिधिमंडल भी कल मिलेगा, उनसे सारे सबूत हैं। और यही नहीं, जो एक वीडियो बन रहा था सारे उसका,
उसको उसने वीडियो छीन के तोड़ दिया वहां पर, मोबाइल मतलब मोबाइल को तोड़ दिया। तो ये गुंडागर्दी, ये आप वर्दी पहन लिए तो क्या मतलब, आप क्या हो गए, आप क्रिमिनल हो? मैं इसको सस्पेंड करना चाहिए, मैं मांग करता हूं इस पर रौली कुमारी को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। ये अभी तुरंत प्रशिक्षण ले रही है, आज अगर इसको नहीं रोका जाएगा, आज अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कल होकर डीएसपी होकर कहीं जाएगी तो ये क्या करेगी? रौली कुमारी को ये बताना होगा कि आप डीएसपी हो या दारोगा हो या भाजपा जदयू के कार्यकर्ता हो, अगर आप कार्यकर्ता हो तो खुलेआम बोलो कि मैं कार्यकर्ता हूं। किसकी गुलामी कर रही हो, किसके कहने पर तुमने ये तानाशाही की है, ये बताइए। किस तरह से दोनों महिला को और जो नाबालिग बच्चे हैं उसको मारते, किस बात का नफरत है? इसलिए कि वो कुशवाहा समाज का बेटा है, इसी बात की नफरत थी आपको हैं? अब क्या कहता है खुलेआम वहां पर पुलिस वाला कि तेजस्वी तुम्हारा नेता है ना, बचा कहा नहीं लेता है, फोन नहीं किया है, उस बच्चे को बोल रहा है तुम्हारा बाप नेता है ना। इस तरह की भाषा, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी से नफरत है इसलिए कि वो पिछड़े का बेटा है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करके इसके निष्पक्ष जांच करके इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको बड़ा आंदोलन करेगा, इस पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और याद रखना, लालू यादव तेजस्वी यादव का सिपाही न किसी से डर सकता है न झुक सकता है। तुम्हारी लाठियां तुम्हारी गोलियां जितनी चलेंगी हमारी मोहब्बत के अल्फाज उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमारा आंदोलन उतना और तेज होगा। न तुम्हारे गोली से न तुम्हारे डंडे से हम डरने वाले हैं, न तुम्हारी बोली से हम डरने वाले हैं। क्या समझते हो लालू यादव तेजस्वी यादव को कोई डरा ही नहीं सका, तुम डराओगे? एक एक कार्यकर्ता, एक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राम सखा और उसके परिवार के साथ खड़ा हुआ है, कोई माई कलाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारे पास वर्दी थी, तुमने वर्दी पहन करके और इतना अत्याचार किया, जुल्म किया, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। मानव अधिकार में भी जाएंगे और चारों तरफ हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगी। मुझको तेजस्वी यादव जी ने भेजा है, मैं नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए उसको देखिए, देख के मुझे बताइए, और मैं जो यहाँ देखा मेरा रूह कांप गया है। अरे किसी गुंडा कोई आतंकवादी था क्या वो, बताइए। सीधी महिला, घरेलू महिला, मुझे लगता है गांव से बाहर नहीं जाती होगी कभी, उसको इस तरह से कहीं किया जाता है? तुम डराने की कोशिश कर रहे हो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, तुम डराने की कोशिश कर रहे हो डंडे और गोलियां और लाठी से? हम डरने वाले नहीं है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट नहीं दे रहा है, फोन नहीं दे रहा है, बताओ बोल रहा है कि प्रशासनिक दबाव साक्ष मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि प्रशासनिक दबाव नहीं देंगे तुमको जहां जाना है। बताओ अब बताओ ये क्या हो रहा है, सदर अस्पताल है ये और यहां खुलेआम कह रहा है कि नहीं देंगे तुमको जहां जाना है जाओ, इनका मनमाना देखिए। ये स्थिति है, मैं सारे स्थिति से अपने नेता प्रतिपक्ष को मैं उसे आगाह करूंगा, मैं बताऊंगा सारी चीजें और पार्टी जी आप सदर अस्पताल में आए हैं और बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, अभी आप सदर अस्पताल परिसर में मौजूद है, ऐसे लापरवाह डॉक्टर पे आपका क्या? मैं जा रहा हूँ, पूछता हूँ क्यों नहीं दे रहा है, इस पर भी कार्रवाई करेंगे, सिविल सर्जन से भी बात करते हैं। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वीडियो हम खुद गए थे सब मांगने के लिए, हमको भी बोला कि आप क्या हैं, बोले कि हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, हम अपने साथी के साथ आए हैं, बोले नहीं देंगे आगे आगे। हम कारी सोहै बोल रहे हैं विधान परिषद राष्ट्रीय जनता दल से। नमस्कार, अच्छे हैं आप? मैं अभी आया था, वो चिड़िया बरियारपुर वाली घटना आपको जानकारी है? राम सखा जी ने आरोप लगाया नहीं है, मैं यहाँ आपने आके देखिएगा। हाँ उसी घटना के बारे में, हाँ
था, उनके परिवार को जिस तरह से मारा गया है, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, शायद आपने नहीं देखा इन लोगों को, इंसानियत भी कांप जाएगी। मतलब जेंट्स पुलिस ने मारा जिस तरह से, लाठी बदल बदल के, आदमी बदल बदल के, तो जिंदा है यही बहुत है, आप देखिएगा आकर कि पूरा बदन काला है लाठी के मार से। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया था या कौन पकड़ा, हमको लगता है कि इतना मतलब वो मैडम जो है किस गुस्से में है, किस तरह का मतलब कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है मान लिया कि कोई बात थी तो उस पर केस करते, आप उसको जेल भेजते, और इस तरह से मारना उसके परिवार को, राम सखा से अगर एलर्जी थी तो एक बात समझ में आती है। नहीं जो बात है मतलब वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें सामने आ रही है, बगल में किसी का, देखिए आप लोगों को या मैडम को थाना ने गुमराह किया है, बगल में किसी समाज में कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोस का आदमी पार्टी का प्रधान महासचिव है, प्रधान महासचिव पार्टी का एक मजबूत पिलर होता है, वो तो जाके कहेगा ही कि भाई क्यों तुम लोग आपस में केस कर रहे हो, एगो जेल जाओगे एगो केस करोगे, क्यों जा रहे हो। अब उतने में कहना है कि तुमने दगड़ी करता है तुम्हारे दगड़ी निकाल देंगे, और उसको यार समाज का लोग मतलब उसको बैठा लेता है गाड़ी में, तो समाज का लोग घेर करके उतार लेता है। फिर उसके बाद जो है मैडम को लगता है कि थाना ने गलत उनको कन्विंस किया होगा, मैडम आकर के दलबल के साथ जहाँ CCTV कैमरा नहीं था उसके ऊपर ले जा करके, और बेटा को अलग 14 साल का नाबालिग बच्चा है पूरा उसका मतलब किस तरह से मारा है, काला स्याह हो चुका है, और दोनों महिला जेंट्स पुलिस ने मारा है लाठी से, पूरा काला काला है, पूरा बदन पेट पेट पर मारा है, पूरा पैर पे है, आप कभी एक बार जी हाँ नहीं, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन इंसानियत के नाते कि आप एक बार प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए, आप स्वयं आ जाइए, आप निष्पक्ष जरा आप देख लीजिए, मुझे किसी से ना कोई शिकायत है ना किसी से एलर्जी है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है, कानून से ना काम चलेगा कि तानाशाही से चलता है। जेंट्स पुलिस महिला को बिना कसूर के, आप किसी इसको पिता को खोजने गए, बेटा बोला कि नहीं है पप्पा, तो आपने बेटा को मारना शुरू कर दिया, और जब उसकी माँ आई उसको बचाने के लिए तो उसको मारना किया, फिर उसकी जो दूसरी बड़ी बहन या बड़ी माँ आई उसको अपने मार बैठा के गाड़ी में ले जाके छत पे ले जा करके इस तरह से मारा। मतलब रोजाना हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, चोर बेईमान डकैत शराब बेचने वाला खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कोई पिटाई नहीं है। इन दोनों महिला घरेलू महिला है बेचारी, ऐसी मार सारा वीडियो है इन लोगों के पास, गला पकड़ के किस तरह से बैठा ला वो लेडीज, मतलब किस तरह की DSP प्रशिक्षित, क्या प्रशिक्षण करने आए हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ आपसे ये है कि SP साहब कि आप काफ़ी पुराने समझदार हो, नहीं आप खुद आ जाइए प्लीज़, आप खुद आ जाइए, और आप लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवा चल रही है तो वो दाग जो है वो चोट का दाग सब कम होगा, तो आपको लगेगा कि ये कम है आज ही। और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज खुद आप आइए, आप आएंगे सुनिए सुनिए, नहीं नहीं मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे रिक्वेस्ट समझिए, आप एक बार आ जाएंगे तो इस परिवार को और समाज को हिम्मत मिलेगी, लोग काफ़ी आक्रोश में है जी, ठीक है हाँ, किसी निष्पक्ष और सीनियर को भेजिए, ऐसा नहीं कि पक्षपात वो करे, और सारा वीडियो के साथ आपको सारे उल्टे हम लोग पर बेवजह FIR भी कर दिया, अच्छा उल्टे FIR भी कर दिया गया, खैर सारी बातें वो सुनेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, आज आप भेज दीजिए, हाँ ठीक है आप भेज दीजिए आज, उसके बाद कल ये लोग पूरे वीडियो उनके के साथ आपसे राम सखा जी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलेगा पूरा, और आप हैं क्या अभी ऑफिस में आप, नहीं आप रहते तो मैं खुद ही आता आपके पास, लेकिन आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, ये सारे प्रतिनिधि मंडल कल मिलेंगे अमित जी बल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बात बोले।